नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे से क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि चल मैं डेली 15 से 20 मिनट की वीडियो डालता हूँ दोस्तों, जो अपने इलेक्ट्रिकल वाले जितने ही बंदे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। एक प्रतिरोधक 50 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, यदि रंग निर्धारण लाल, नारंगी, नारंगी, चांदनी हो तो बहने वाली धारा होगी। तो दोस्तों यह अपना कलर कोड वाला क्वेश्चन है ना, इसके पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर निकालते हैं क्या आएगा। तो जैसे कि आप सबको पता होगा इन्होंने अभी हमें क्या कलर कोड दिया हुआ है यहाँ पे ना, क्या दिया हुआ है, लाल, नारंगी, नारंगी और चांदनी। तो पहले हमको इनका मतलब पता होना कि कितने कितने नंबर पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना इसे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा क्या होता है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर, क्या होता है फिर, गोल्डन सिल्वर नो कलर है ना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें चार रो होती है, पहली रो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेकेंड रो भी क्या 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 से 9 तक जाती है, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या कलर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमें जो कलर दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है, पहले लाल दिया हुआ है। तो लाल कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, रेड, मतलब कि 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपन 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नारंगी, नारंगी मतलब क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो बी बी रॉय, ये जो बी बी रॉय मतलब कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब कि नारंगी। तो नारंगी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 हो जाएगा। फिर क्या होता है, तीसरे में इंटू होता है, तीसरे में भी क्या दिया है दोस्तों, नारंगी दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, 10^3 की घात मतलब कि के है ना। फिर क्या है, चांदनी दिया है, तो चांदनी मतलब कि सिल्वर, कितना आ जाएगा उसका, ±10% आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना रेजिस्टेंस का मान हो गया है ना। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इसमें देखिए 50 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सबको पता होगा दोस्तों है ना, क्या पता होगा कि जो अपना क्या निकालना, आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन के आर होता है। वी कितना दिया है, 50 दिया हुआ है, आर का मान कितना है अपने पास में, 2 3 और ये 000 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की घात है ना, ठीक है। तो जब आप इसमें जब इसमें इसका भाग दे देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो देखिए ये तो ये 3 0 है ना, ये जब आप सपोज इसको ऊपर ले जा लेंगे तो 50 × 10^-3 की घात हो जाएगा है ना, मतलब कि मिली में हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 23 का भाग इसमें 50 पे दे देंगे तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.17 mA इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होगी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी में बैटरी से 3.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए कितने ओम का लोड प्रतिरोध लगाना होगा। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वी का मान मतलब कि वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, अपॉन आई कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप इसमें भाग कर दें, चलो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 0 लगा देते हैं, मतलब 10 कर देते हैं, 120 कर देना, इसमें 36 का भाग दे देना, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप भाग करके देखेंगे तो इसका आ जाएगा 3.3 ओम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्ट की इकाई वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक 75 टर्न वाली क्वाइल में से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसका चुंबक वाहक बल क्या होगा। मतलब कि क्या बोला इन्होंने, MMF मतलब क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है, ठीक है। तो हमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 75 टर्न दिया हुआ है, 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो एम्पियर टर्न ए इंटू के एन हो जाएगा है ना। तो इक्वल टू इसमें देखो 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 × कितना हो जाएगा, 4। तो जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300 एम्पियर टर्न आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों,
प्रतिरोध की रंग निर्धारण सारणी के अनुसार दूसरी पट्टी में सफ़ेद रंग का मान होगा। तो दोस्तों अभी इसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपके लिए मैंने यहाँ लिखा था, तो उसमें यह पूछना चाह रहा है हमें कि दूसरी पट्टी में सफ़ेद रंग का मान क्या होता है। तो चलिए साथियों मैं फिर से एक बार आपके लिए वह अपना जो ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आ जाएगा बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। तो जो अपना काला होता है तो वो होता है ज़ीरो नंबर पे, ज़ीरो है ना, उसका नाम ब्राउन मतलब कि भूरा, एक नंबर पे रेड, दो नंबर पे आ जाएगा ऑरेंज, तीसरे नंबर पे आ जाएगा येलो, चार नंबर पे आ जाएगा ग्रीन, पाँचवें नंबर पे आ जाएगा ब्लू, सिक्स नंबर पे आ जाएगा वायलेट, सेवन नंबर पे आ जाएगा ग्रे, एट नंबर पे आ जाएगा और वाइट, नाइन नंबर पे आ जाएगा। जो सेकेंड रो होती है दोस्तों वो भी ज़ीरो से नाइन तक चलती है, ठीक है ना। तो ठीक है, इन्होंने हमें क्या पूछा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या पूछा है दोस्तों, इन्होंने हमें पूछा है कि दूसरी पट्टी में सफ़ेद रंग पूछा है, तो कितने नंबर पर आ रहा है, ये नौ नंबर पर आ रहा है। देखिए नौ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइन इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या बोल रहा है, एक हीटिंग एलिमेंट 12 एम्पीयर की धारा 230 वोल्ट पर लेता हो तो एक घंटे व 15 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो दोस्तों अपने को क्या निकालना है इसमें, kWh निकालना है, मतलब यूनिट निकालना है ना। तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, आप सबको पता होना चाहिए जो IT वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं, कि एक kWh इज इक्वल टू क्या होता है, वाट इंटू के हावर अपॉन के 1000, यह होता है ना kWh, एक यूनिट निकालने का फार्मूला। तो ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि P बराबर क्या होता है, VI होता है ना, जनरली सभी को पता ही होता है। तो इन्होंने देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है 12, 230 दिया हुआ है, V एक घंटा 15 मिनट, ये मतलब हावर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये W का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, P इंटू के, क्योंकि जो पावर होता है इसकी इकाई क्या होती है, वाट होती है, तो V और I हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा अपना 12 गुणित 230, ठीक है, एन टू कितना दिया, एक घंटा 45 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और ये एक घंटा 15 मिनट दिया है ना, सॉरी कुछ गलत बोल दिया था मैंने, है ना। एक बार इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा इसमें, 1 kWh इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, 12 इंटू के 230 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, कितना दिया है, एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना, ऑफ वन 1000 हो जाएगा। अब आपने घंटे को मिनट में चेंज किया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 का गुना करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे, है ना। तो दोस्तों जब आप इसका पूरा मल्टीपल कर देंगे, ये सब काट देंगे, तो इसका आंसर जो अपना है कितना आ जाएगा, इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3.4 kWh, इसका यह आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप करके देखिए इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 625 ओम 40 मिली एम्पीयर वाले एक प्रतिरोधक की शक्ति का निर्धारण होगा। तो हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, पी मतलब होता है पावर, मतलब क्योंकि शक्ति निकालना है ना, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, आपको याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, देख पा रहे हो आप, 625 दिया हुआ है, आर आर देखो इसमें जो भी पहले मान दिया रहता है ना आप उसको लिख लिया करिएगा, ठीक है। तो 625 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आई कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है, तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं आप, या फिर इसको 40 गुणित के 10 पर माइनस 3 की घात भी ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा, जैसे कि आपको पता है कि पी के जो तीन प्रकार के फार्मूले होते हैं आपको याद ही होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे उसमें आर भी दिया है, आई भी दिया हुआ है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का स्क्वायर इंटू के आर होता है ना फार्मूला के अनुसार, है ना, ये पता ही होगा। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, मान को पुट कर देते हैं। तो अपना मान कितना है दोस्तों, इसमें पी बराबर क्या लिखा था मैंने, आई का स्क्वायर इंटू के आर, तो आई कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आर कितना दिया हुआ है, 625 दिया हुआ है ना, है ना, 625 दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दिया हुआ है 625। अब यहाँ मिली भी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिली भी है तो इसको क्या करना, अपॉन में जो मिली है ना 10 पर माइनस 3 की घात, उसको जब नीचे करेंगे तो क्या होगा, 10 पर 3 की घात हो जाएगा, इंटू के 10 पर 3 की घात हो जाएगा, मतलब जो माइनस है वो हट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना, आप सीधे सीधे 10 के बाद में 6, मतलब 1 के बाद में 6 जीरो लगा देना,
दो चार पाँच और एक छः, और जो ऊपर में क्या हो जाएगा 40 गुणे 40 गुणे 625 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। जब आप इसका भाग दे देंगे तो कटपिट के कितना आएगा 1 वाट इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 वाट इसका यह आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक प्रतिरोध 3 किलो ओम का है जो 0.3 मिली एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी चालकता ज्ञात करो। तो दोस्तों इन्होंने हमें क्या पूछा है, चालकता पूछा है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अपनी चालकता होती है उसको जी से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है साइमन होती है, या फिर जिसको क्या बोलते हैं आप महो बोलते हैं। महो महो क्यों बोलते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, ओम है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, महो, है ना। इसीलिए जो अपना कंडक्टेंस चालकता होती है ना उसकी इकाई क्या होती है, महो, जिसको हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है हमें, चालकता पूछा, तो जी बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/r होता है, क्योंकि जस्ट इसका ये व्युत्क्रम होता है ना, प्रतिरोध है ना, प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो ये जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये जो अपनी चालकता होती है घट जाती है, ठीक है। या जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, आप समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या दिया है, देखो जैसे कि इसमें क्वेश्चन किया था अपना, क्या बोल रहा क्वेश्चन था अपना दोस्तों, एक प्रतिरोध 3 किलो ओम, 3 किलो ओम का दिया है। तो आपको मैंने अभी बताया कि Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो 1/r के आर का मान कितना दिया है, 3 किलो ओम, मतलब कि 3000 ओम। तो जब आप एक में 3000 का भाग देंगे, है ना, तो दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो ये इतना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 0.33 मिली महो आ जाएगा, ठीक है। जब आप देख लीजिएगा भाग देके, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 100 किलो ओम 100 वाट का प्रतिरोध प्राय किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक 100 किलो ओम है ना 100 किलो ओम प्रतिरोध जो होता है ना, 1 वाट प्रतिरोधक प्राय किस टाइप का होता है, इसमें से कौन सा टाइप उसका वो आ जाएगा। तो वो आ जाएगा दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अपना। एक डीसी वोल्टता का शिखर मान 13 वोल्ट हो तो उसका प्रभावी मान होगा। तो जो अपना शिखर मान है V0 = कितना दिया हुआ है दोस्तों, इन्होंने अपना 13 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि जो अपना शिखर मान होता है V0 = क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 × √2 √√2 हमको प्रभावी मान निकालना है, तो ये RMS को ही प्रभावी मान बोलते हैं, ठीक है, हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इधर लाएंगे, है ना, तो क्या होगा दोस्तों, जो अपना V0 है अपॉन क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, है ना। तो V0 का मान अपने पास में कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 13 में √2 का मान कितना होता है, 1.1414 होता है। तो जब आप इसमें इसका भाग देंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 9.1 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ जो DC लिखा हुआ है इसके स्थान पर यहाँ पर AC लिखा हुआ होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करेंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समान उल्टता के 100 वाट व 25 वाट के लैंप के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपना डेस्कटॉप पे क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। तो वो बोल रहा है दोस्तों, सपोज मतलब अपना जो वोल्टेज है वो क्या है, समान है, लेकिन चलो पी जैसे पी होता है पावर होता है ना, P1 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है, मानना पड़ेगा हमें। और जो अपना P2 है, ठीक है, उसका मान कितना दिया हुआ है, 25 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तीन का वह अनुपात पूछ रहा है ना, रेजिस्टेंस का अनुपात। तो दोस्तों इसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है, V² / R होता है ना दोस्तों, है ना, इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने V का मान क्या बोल दिया, नियत है, मतलब कि समान है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P = 1/R, यह क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, ये समान है क्योंकि जो अपना वोल्टेज है तो समान है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब दोस्तों ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो ये क्या होता है, अपना नियतांक लगता है ना। तो क्या हो जाएगा, P = K / R हो जाएगा, है ना।
तो इसका मान सपोज अभी हम एक कर देते, एक हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा पी वन, तो पी वन हो जाएगा वन बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, हमको उन्होंने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो पी वन बाय के पी टू, एक मिनट ओके, हाँ देखिए पी वन बाय के पी टू क्या हो जाएगा दोस्तों, वन बाय आर वन अपान के वन बाय आर टू हो जाएगा ना। तो ये तो ये देखो, इससे ये वन से ये वन कट जाएगा, तो ठीक है, तो पी वन अपान के पी टू बराबर क्या हो जाएगा, आर टू अपान के आर वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, जो अपना आर टू है, आर वन है अपान के आर टू होता है ना, तो क्या हो जाएगा पी टू अपान के पी वन हो जाएगा, ठीक है। तो पी टू का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास में, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा पी टू का मान दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, अपान कितना जाएगा दोस्तों और ये क्या दिया हुआ है पी वन, पी वन का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 25 का 25 25 100 हो जाएगा, मतलब कि एक अनुपात कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो अपना आर वन है ना, और ये अनुपात आर टू जो है ना, उसका जो अनुपात है दोस्तों क्या आ जाएगा अपना, 1:4 इसका यह आंसर आ जाएगा। तो जो अपना ये आंसर है, 1:4 इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा दोस्तों अपना, एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का फॉर फिट होगा। तो जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है ना, एनएस स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होती है ना, उस पर चलती है, तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों जो अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है, अपने इलेक्ट्रिकल की बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर होती है, क्योंकि वह लीडिंग, लेगिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पर वह कार्य कर सकती है, तथा उसको उसको पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी मतलब यूज़ किया जाता है। तो वो पूछना चाह रहा है कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, लेगिंग टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या है। तो जो प्रदीप्ति फ्लक्स होता है उसकी इकाई क्या होती है दोस्तों, ल्यूमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अपना देखिए, एक 6 वोल्ट की बैटरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से जुड़ी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्नों का अनुपात 1:8 अनुपात हो तो सेकेंडरी वोल्टेज कितनी होगी। सपोज वो क्या बोल रहा है, देखो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को एक बार इसमें डायग्राम बना के बताता हूँ, है ना। तो आपने ट्रांसफार्मर देखा ही होगा, ये कुछ ऐसा वाइंडिंग्स रहता है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, ठीक है, ये है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये बोल रहा है 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है, तो हमें आउटपुट में आउटपुट मतलब ये हो जाएगा पीटी प्राइमरी पीडब्ल्यू प्राइमरी वाइंडिंग और एसडब्ल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज है ना, सेकेंडरी वोल्टेज कितना मिलेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा है ना वो कितना मिलेगा, E2 है ना, E2 बोल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो अपना क्वेश्चन ने थोड़ा सा क्या कर दिया है घुमाने के लिए, उन्होंने क्या बोल दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वह क्या होता है, मैचुअल इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको मैचुअल इंडक्शन बोलते हैं ना, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अपनी डीसी सप्लाई होती है उसमें किसी भी प्रकार का अपना क्या होता है, इंडक्शन नहीं होता है ना, या फिर ये बोले कि जो अपने ट्रांसफार्मर होते उसमें हमेशा एसी सप्लाई ही दी जाती है ना, इतना आपको पता होगा। तो इन्होंने क्या दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, तो दोस्तों ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब जो अपना ट्रांसफार्मर है उसकी तो क्या हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर को हम डीसी देंगे तो लगातार मतलब इंडक्शन ना होने के कारण दिया हुआ वोल्टेज लगातार बढ़ते जाएगा, जिसके कारण जो उसके वाइंडिंग्स है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि इन्होंने क्या दिया, 1:8 ये अनुपात, ये सब आपको ऐसे उन्होंने घुमाने के लिए दिया, आपको तो बस ये देखना था कि वह 6 वोल्ट दे दिया है और बैटरी से जुड़ा है, तो वो बैटरी का मतलब होता है डीसी। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट पैदा करेगा, मतलब कि क्योंकि ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज अपना कुछ 5-6 जो क्वेश्चन थे आप समझ गए होंगे, ठीक है।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों आज जो आपको मैंने समझाया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों को भी यह वीडियो ज़रूर भेजें और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।